वाले देखिए, मेरे हाथ पे आ रहा है पूरा। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन चल रही है हमारी इतनी बड़ी, आप देख सकते हो। देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन बनाता है ये मिनी प्रोजेक्टर। ये देखिए जी, ये वाली स्क्रीन इसके अंदर चल रही है। अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता है तो इस वाले मॉडल को लगा। राधे राधे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं छोटे वाले प्रोजेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हो स्टॉक रखा हुआ है, और भी हमारे पास स्टॉक इसका रखा हुआ है। तो आज हम लेके आए चीप एंड बेस्ट मॉडल, और इसके अंदर फीचर क्या क्या मिलने वाले हैं वो सारे बताएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस वाले प्रोजेक्टर की दिखाएंगे, छोटी स्क्रीन नहीं बहुत बड़ी स्क्रीन चला के दिखाएंगे, जो कि आप देख के रह जाओगे दंग कि किस तरीके की ये स्क्रीन बनाता है। तो देरी ना करते हैं, सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग कर देते हैं, और अनबॉक्सिंग में क्या क्या मिलता है इसके साथ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ आपको मिलता है एक एवी कनेक्टर, और एक मिलने वाला है प्यारा सा रिमोट, जो कि आईआर दोनों तरफ है, और स्क्रीन की तरफ करके भी आप रिमोट को यूज कर सकते हैं। और मिलने वाला है आपको एक ये वाला एडाप्टर, जो कि इसको पावर देने के काम आएगा। सबको साइड करते हैं, अब आते हैं मेन चीज पर। ये होने वाला हमारा चीप एंड बेस्ट प्रोजेक्टर, जो कि बहुत ही पोर्टेबल है। देखिए मेरे हाथ पे आ रहा है पूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर कंट्रास्ट की। तो देखिए पर्पल कलर और व्हाइट कलर में मिलता है आपको, और देखिए इस साइड में आपको मिलने वाला है फोकस, और यहाँ पर मिलने वाला आपको आईआर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रिमोट आप दोनों तरफ करके यूज कर सकते हो, स्क्रीन की तरफ भी और प्रोजेक्टर की तरफ भी। एक पीछे की तरफ आपको आईआर मिलने वाला है। अब बात करते हैं पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में देख सकते हो आप, इसमें आपको एक ऑक्स मिलने वाली है, और एक मिलने वाला है एबी, एचडीएमआई, यूएसबी, और यहाँ पे आपको एडाप्टर लगाने का एक पोर्ट मिल जाता है। ऊपर आपको मिल जाती है काफी अच्छी पर्पल कलर में ही बटन इसके, और यहाँ पे आपको लाइट इंडिकेटर मिल जाता है। तो देरी ना करते मैं आपको दिखाता हूँ इसके सारे फीचर आपको, और बहुत बड़ी स्क्रीन चला के दिखाने वाला हूँ। कर दिया इसको देखिए सेटअप, अब ऑन करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था आईआर स्क्रीन की तरफ भी काम करेगा, तो ये कर दिया हमने प्रोजेक्टर को ऑन। ये देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन बना रहा है, और अभी मैं स्क्रीन के पास जाके भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर कोई एक वीडियो चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की स्क्रीन बन रही है, और मैं आगे स्क्रीन की तरफ भी जाके दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी स्क्रीन बना रहा है, और बल्कि अभी इसको और बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना ये खाली जगह, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है, एक बार और दोबारा से दिखाता हूं वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, ये साइज होने वाला है हमारे छोटे से प्रोजेक्टर का। कलर कंट्रास्ट आप देख सकते हो काफी अच्छे हैं। ये देखिए, और मैं आपको एक बार और दोबारा से स्क्रीन की तरफ जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन चल रही है हमारी इतनी बड़ी, आप देख सकते हो। देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन बनाता है ये मिनी प्रोजेक्टर। ये मिनी प्रोजेक्टर इतनी बड़ी स्क्रीन बनाता है, आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त क्वालिटी आ रही है इसकी। और बात करते हैं इसके फीचर की, तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मूवी, जो भी पेन ड्राइव यूज कर सकते हो आप इसके अंदर, और आपको यहाँ पर मिलने वाला है नीचे HDMI का ऑप्शन। सेटिंग में जाके देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगी। सेटिंग के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है इस वाले प्रोजेक्टर के अंदर, ये देखिए यहाँ पर आपको कीस्टोन मिल जाता है। आप कीस्टोन के थ्रू, जैसे अगर आप कहीं भी प्रोजेक्टर को थोड़ा सा तिरछा करके लगाते हो, तो कीस्टोन के थ्रू आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसको मैं अभी रीसेट कर देता हूँ, बैक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ए भी मिल जाता है, और यहाँ मिल जाता है वायर स्क्रीन कास्ट। तो मैं आपको ये भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यूएसबी निकाल देता हूँ, और डाटा केबल के थ्रू मोबाइल कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लगा दिया, और इसमें आपको ये डाटा केबल लगा के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम चले जाते हैं वायर स्क्रीन में। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया, और ये देखिए, ये देखिए ये हमारी स्क्रीन कास्ट हो गई है, और यहाँ से मैं कुछ भी चला सकता हूँ कुछ भी। जैसे कि अगर मैं YouTube की अगर बात करूँ, तो YouTube चला के दिखा देता हूँ। ऐड आता है, इसको ऐड को हटा देता हूँ मैं। नहीं है, ऑफर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसके साथ क्या मिलने वाला है।
वीडियो को स्किप मत करिए, पहले नॉर्मल सभी मॉडल में आपको बता दूं। अब बात करते हैं इस वाले मॉडल की, तो ये वाला मॉडल इंस्टीट्यूट वालों के लिए। ये देखिए जी, ये वाली स्क्रीन इसके अंदर चल रही है। अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता है तो इस वाले मॉडल को लगा सकते हैं। स्मार्ट है, वाईफाई, यूट्यूब, ब्लूटूथ सारी चीजें मिलेगी इसके अंदर। पोस्टेज तो बहुत ही अच्छी फीचर के साथ है, डाटा केबल के थ्रू। लैगिंग का आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, आपको लैगिंग का 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। बटन है इधर, आपको एयर फिल्टर मिल जाएगा इधर आपको। अब बात करते हैं इसके हम फीचर की, और भी जो फीचर है इसके अंदर वो सारे फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। HDMI के थ्रू आप HDMI सेटअप बॉक्स वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। AV के थ्रू सेटअप बॉक्स, अगर HD नहीं है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। और पेन ड्राइव के थ्रू आप इसके अंदर फोटो, वीडियो वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी होता है। वायर स्क्रीन के थ्रू आप मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो। और स्क्रीन में एक बार और जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी स्क्रीन बनाने वाला है ये वाला प्रोजेक्टर, जैसा कि आप देख सकते हो। आपने इसकी वीडियो देख ली है, जो कि बहुत बड़ी स्क्रीन बनाई है ये वाले प्रोजेक्टर ने। सीरियसली बहुत अच्छी स्क्रीन बनाई, जैसा कि आपने वीडियो में भी देख लिया। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर की। मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बताई दिया। ऑक्स के थ्रू आप होम थिएटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। AV के थ्रू जो HD सेटअप बॉक्स नहीं है वो कनेक्ट कर सकते हो। HDMI के थ्रू लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। और सेटअप बॉक्स अगर HD है वो भी कनेक्ट कर सकते हो। USB से आप जो भी मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो USB के अंदर पेन ड्राइव में, वो यहाँ पे लगा सकते हो। और कार रीडर से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाता है एक, जो कि इसका एडाप्टर का है, इसको पावर देने के लिए। और फीचर की बात करें तो फीचर आप देख ही लिया आपने वीडियो में, मैंने आपको बता ही दिया है। अभी जो स्क्रीन चल रही थी, एक बार और बता देता हूँ। इसके अंदर मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा आपका डाटा केबल के थ्रू, तो वायर स्क्रीन कर सकते हो आप। उसके अंदर एक बेनिफिट है कि आपका लैग होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। एक और अच्छी चीज़ है इस वाले मॉडल के अंदर, ये आपको HD मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फुल HD सपोर्ट है और HD प्रोजेक्टर है। 1 साल की वारंटी है और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आप इसके वीडियो, फीचर वगैरह जो भी आपको चाहिए, स्पेसिफिकेशन सारी मिल जाएगी। आप कोरियर चार्ज अलग से होगा, जो भी कोरियर चार्ज लगेगा। और आप आके डेमो देख के भी लेके जा सकते हो इसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से आइए और घर में बनाइए मिनी होम थिएटर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।